लीव्स का शेप साइज और टेक्सचर अलग अलग होता है जैसे कि हम लोग को इस फोटो में दिख रहा है अलग अलग तरह का लीफ है अगर टच करेंगे तो सबका सबसे फील भी अलग आएगा कोई ज़्यादा रफ़ होगा कोई स्मूथ होगा कोई वैक्स के जैसा होगा तो इस वजह से लीफ का शेप साइज टेक्सचर सब अलग अलग है पत्ता काम किस चीज़ में आता है प्लांट्स के किस काम में आता है वो तो समझ में आ गया ह्यूमन बींग्स के किस काम में आता है तो पहले के ज़माने में साधु संत लोग पत्ता पे लिखा करते थे तो अस् इट इज़ रिटन इन द फिगर सेंट राइटिंग ऑन अ लीव सो वी कैन से दैट इन ओल्डन टाइम्स पीपल यूज टू राइट ऑन लीव्स नॉट ऑल टाइप्स ऑफ लीवस एंड इन साउद पार्ट्स ऑफ इंडिया इवन नाउ फूड इज सर्व्ड इज बनाना लीव्स केला का पत्ता में खाना दिया जाता है साउथ इंडिया में ये ट्रेडिशन अभी भी है एंड देर आर वेरियस लीव्स विच आर यूज इन वेरियस थिंग्स लाइक तुलसी लीव्स आर यूज वाइल मेकिंग टी ये सर्दी खांसी ठीक करने में भी काम में आता है काढ़ा बनाया जाता है एंड तुलसी सबके आंगन में मिलता है सी इट इज रिटन पीपल इन इंडिया जनरली ग्रो अर तुलसी प्लांट इन दर कोट यार्ड बिकॉज वी वर्शिप तुलसी सिमिलरली नीम नीम लीव्स आर यूज इन फूड एंड दे आर यूज टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स वो इंसेक्ट्स दूर करता है तो इस वजह से उसमें काम में आता है नीम और तुलसी तुलसी इन इंग्लिश इज कॉल्ड बेसिल सो so, इसका मेडिसिनल पर्पसेस भी है सर्दी खांसी ठीक होता है नीम से वुंड्स भी ठीक होता है घाव वगैरह लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक फूड लुक नाइस एंड अट्रैक्टिव किसी किसी का पत्ता से खाना अट्रैक्टिव बनता है तो वो ऊपर में गार्निशिंग को खाना को सजाने के लिए दिया जाता है जैसे धनिया विच इन इंग्लिश इज कॉल्ड कॉरियाडो पुदीना का पत्ता इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड मिंट एंड करी लीव्स दीज लीव्स ऑल्सो एड अरोमा टू द फूड फूड में इससे एक अलग खुशबू भी आता है करी लीव्स आर गुड फॉर आईसाइट एंड हेल्प टू क्योर डायरिया डायरिया मतलब लूज मोशन जैसा एक डिजीज होता है तो ये सब वो ठीक करने में भी काम में आता है करी लीव्स बहुत सारा ऐसा लीव्स है जिसको हम लोग वेजिटेबल के तौर पर खाते हैं जैसे मेथी इन इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड फेन्योग्रिक मस्टर्ड्स पीनेच मतलब पालक इस तरह का बहुत सारा वेजिटेबल्स uh, मतलब जो पत्ता के फॉर्म में वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं लीव्स को हम लोग और भी बहुत जगह देख सकते हैं जैसे ड्राॅइंग्स में देख सकते हैं जनरली कर्टन्स मतलब पर्दा के ड्राॅइंग्स में पर्दा में बहुत बार लीव्स ड्रा किया हुआ रहता है मैक्सिमम टाइम पे साड़ी वगैरह में प्रिंट होता है रंगोली में प्रिंट होता है ये सब अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है नाउ शेडिंग ऑफ लीव्स जैसे हम लोग अपना वेस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालते हैं अपने बॉडी से वैसे ही प्लांट भी निकालेगा तो उसी को बोलते हैं शेडिंग uh, है। uh, इसलिए नहीं गिरा प्रोडक्ट्स जमा कर रहा था जब बहुत सारा जमा हो गया तो प्लांट उसको गिरा दिया तो शेडिंग ऑफ लीव्स ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू थ्रो आउट हार्मफुल वेस्ट दैट गेट कलेक्टेड इन इट्स ओल्ड लीव्स और द ओल्ड लीव्स कीप ऑन गेटिंग शेड एंड न्यू लीव्स कीप कमिंग इन दर प्लेस नया पत्ता आते रहता है तो प्लांट ग्रीन रहता है कॉम्पोस्ट द लीव्स पत्ता वगैरह का हम लोग कर क्या सकते हैं इनफैक्ट सिर्फ पत्ता ही नहीं किचन का जो वेस्ट होता है सब्जी का छिलका वगैरह वो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं तो सारा इस तरह का छिलका को हम लोग को कलेक्ट करना चाहिए जो भी पत्ता वगैरह है वो सबको भी और एक गड्ढा बना उसके अंदर डाल देना चाहिए सीन दिस फोटो इट कैन भी सीन मदर एंड हर सन दे आर पुटिंग द वेस्ट इन साइड अ पिट एक गड्ढा के अंदर कर रहे हैं फिर उस को ढक देंगे गीला मट्टी से और जब कुछ दिन तक छोड़ देंगे कुछ महीनों तक तब वो कॉम्पोस्ट बन जाएगा कॉम्पोस्ट खेत में काम में आता है फील्ड्स में इससे क्रॉप्स जो होता है वो बहुत फर्टाइल होता है बहुत अच्छा होता है तो फार्मर्स यूज़ करते हैं तो कॉम्पोस्ट कैन बी यूज इन फील्ड्स इट हेल्प्स द प्लांट्स एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर बहुत लोग अपने घर के प्लांट्स में भी देते हैं तो ऐसे हम लोग किसी सामान को नहीं फेंक कर उससे कॉम्पोस्ट बना सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट लीव्स सी इन लार्ज स्केल फॉलन लीव्स आर कलेक्टेड एंड देन इट इज कन्वर्टेड इन टू कॉम्पोस्ट सो दिस वॉज ऑल अबाउट लीव्स इन दिस चैप्टर वी हैड लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स वेरियस यूजेस ऑफ लीव्स इन आर डेली लाइफ एंड वाई डू प्लांट्स शेड लीव्स एंड वॉट कैन वी डू विद दैट शेड लीव्स